section 12 to 25 relate to computation of period of limitation. How the period of limitation is to be computed is the basic requirement for the purpose of filing any suit, application or appeal. This is a part 3 of the Limitation Act. It provides computation. It consists of section 12 to 25. So we are going to through first of all section 12. In computing the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. Is sub clause 1 mein, subsection 12 subsection 1 mein तरीका दिया गया है कि आपने जो लिमिटेशन प्रेस्क्राइब की गई है उसे कैसे शुमार करना है. उसे शुमार करने के लिए पहले ये देखना है कि किस किस चीज़ में शुमार करना है. सूट, अपील, एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ों में कंप्यूटेशन का तरीकाकार सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में दे दिया गया है. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सर पीरियड इज टू बी रेकंड इज टू बी एक्सक्लूडेड. पहला दिन जो आपने जिस रोज आप कमेंस कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देना है. मिसाल के तौर पर 1 जनवरी से आपका पीरियड स्टार्ट हो गया और ये 30 दिन है पीरियड. अगर आप पहले दिन को शुमार करेंगे तो 30 तारीख को पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपने पहले दिन को एक्सक्लूड कर देना है. यानी 2 से शुमार करना शुरू करेंगे तो आपके दिन 31 तक चले जाएंगे. तो व्हेन यू आर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड. ये मैथमेटिकल है और इसको रियाजियत के एतबार से ही आपने काउंट करना है कि पहले दिन को शुमार नहीं करना. दूसरा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एन अपील एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील एंड एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वाज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द डिक्री सेंटेंस आर ऑर्डर अपील फ्रॉम आर सॉट टू बी रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड. आम तौर पर इसी प्रोविज़न से वास्ता पड़ता है. जब आप लिमिटेशन का पीरियड गिन रहे हैं, उसको शुमार कर रहे हैं, तो अपील के लिए, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील के लिए, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए, जिस दिन जजमेंट ऑर्डर जिसके खिलाफ आपने जाना है प्रोनाउंस की गई हो, उसका ऐलान किया गया हो, वो वर्डिक्ट दिया गया हो, तो और उस वर्डिक्ट के देने के बाद कोर्ट ने आपको नकल जारी नहीं करनी. आम तौर पर यह अदालत का फंक्शन नहीं है. बाज़ सूरतों में है लेकिन आम तौर पर नहीं है. तो लिहाजा आप उस नकल को हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त देते हैं. अब उस दरख्वास्त देने से नकल के जारी होने तक, जो कानूनी तौर पर आप जब नकल को लेने के पाबंद हों, उस वक्त तक का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. यानी जब आप कॉपी ले रहे हैं तो जितना अरसा आपका कॉपी हासिल करने में खर्च हुआ वो आपका नहीं है,
हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ हम पीरियड को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, कंडोन करते जा रहे हैं, एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, अब तक जितने भी मिसालें हमारे पास, जितने भी प्रोविजंस हमारे पास आई, वो ये जाहिर करती हैं कि वहाँ आपका कसूर कोई नहीं है, आप उसमें मजबूर हैं, आपने अपील करना है, आपके पास तो नकल ही नहीं है, तो नकल तो देनी है महकमे ने, कॉपिंग एजेंसी ने, लिहाजा आपको उसकी नकल जारी न करने पे पिनलाइज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसी मजबूरी जो आपके दायरे में नहीं है, वो आपको कानून उसमें आपको रह देता है और वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कॉपी ऑफ द डिक्री लें, सेंटेंस की नकल लें, ऑर्डर की नकल लें, जिसके खिलाफ अपील करनी है, वो टाइम उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लिहाजा इसको शुमार करने के लिए आपने पहली प्रोविज़न 1 और दूसरी प्रोविज़न 2 इन दोनों को मिला लेना है। पहला दिन भी एक्सक्लूड कर देना है और जब आपने पीरियड खर्च किया नकल लेने में वो भी एक्सक्लूड कर देना है। लिहाजा दिस इज़ एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग्स व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग द कॉपी देयर ऑफ, उस पर आपका ये टाइम शुमार कर दिया जाएगा। वेर ए डिक्रीज अपील फ्रॉम अ सॉट टू बी रिव्यूड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑन विच इट इज फाउंडेड शैल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। बेसिक बात यह है कि आप खुद तो कहीं किसी तसाहुल के जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आपका तसाहुल नहीं है, आपकी गफलत नहीं है, तो फिर आपको पीरियड मिलेगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी अवार्ड को भी उसी दर्जे पर रखा गया है जिस दर्जे पे प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिग्री को रखा है उन्होंने। एज व्हेन देयर इज एन अवार्ड और उसकी कॉपी लेने में आपका वक्त लगा है, तो फिर उस वक्त को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 1991 में एक लिमिटेशन इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट हुई है, एक्ट नंबर 13 ऑफ 1991। ये पीएलडी 1991 के सेंट्रल स्टैट्यूट में भी दी हुई है, इसे आप देख लेंगे, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसको आपने लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द डिक्री सेंटेंस आर ऑर्डर जजमेंट आर अवार्ड शैल बी डीम्ड टू द टाइम इंटरवीनिंग बिटवीन द डे ऑन विच एन एप्लीकेशन फॉर द कॉपी इज मेड and the day actually intimated to the applicant to be the day on which the copy will be ready for delivery। आम तौर पर यह गलत फहमी रही है कि हमें दरख्वास्त नकल से लेकर डिलीवरी तक का तमाम टाइम मिलेगा। इसमें कबाहत यह पैदा हुई कि एक शख्स ने एक दरख्वास्त दे दी, सवाल फार्म दे दिया, मुझे नकल चाहिए, वो 6 माह तक आता ही नहीं है, 1 साल तक नहीं आता, उसके बाद वो आके कॉपी लेता है, कहते मुझे डिलीवर अब हुई है। लिहाजा मुझे जो टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अप टू द डिलीवरी ऑफ द कॉपी, और उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। लिहाजा इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि लोगों को डिलीवरी पर पाबंद ना किया जाए, बल्कि लोगों को इंटीमेशन पर पाबंद किया जाए। लिहाजा जब कोई शख्स नकुल एजेंसी में दरख्वास्त देगा, तो आप नकुल एजेंसी को कहें कि आप हमें जो रसीद जारी कर रहे हैं इस पर डेट ऑफ प्रेपरेशन भी लिख के दें, ताकि जब वो प्रिपेयर हो जाए हम उसको जाकर ले लेते हैं। लेकिन अगर वो डेट ऑफ प्रिपरेशन नहीं लिखते तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, उनकी जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर वो डेट ऑफ इंटीमेशन उस पर लिख देते हैं
ऐसा भी हुआ कि उन्होंने डेट ऑफ इंटीमेशन लिख दी, आप उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं नकल तैयार नहीं है। फिर आप उन्हें कहेंगे ना इस डेट ऑफ इंटीमेशन को एक्सटेंड कर दें, अगर आप वो डेट ऑफ इंटीमेशन नहीं देते तो फिर डेट ऑफ डिलीवरी आपके लिए रेलेवेंट है, लेकिन अगर वो डेट ऑफ इंटीमेशन दे देते हैं और डेट ऑफ इंटीमेशन से पहले वो तैयार भी हो जाती है तो फिर डेट ऑफ इंटीमेशन पर आपने उसे रिसीव करना है। तो ये पर्पज है इसका, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके पास। फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 2, 3 and 4 द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द डिक्री सेंटेंस ऑर्डर जजमेंट और अवार्ड शैल बी डीम्ड टू बी द टाइम इंटरवीनिंग बिटवीन द डे ऑन विच एन एप्लीकेशन फॉर द कॉपी इज मेड एंड द डे एक्चुअली इंटीमेटेड टू द एप्लीकेंट टू बी द डे ऑन विच द कॉपी विल बी रेडी फॉर डिलीवरी। यानी डिलीवरी अब मैटर नहीं है बल्कि डेट ऑफ डिलीवरी व्हेन द कॉपी इज रेडी फॉर डिलीवरी, यानी इसको हम डेट ऑफ प्रेपरेशन कह सकते हैं कि व्हेन द कॉपी इज रेडी फॉर डिलीवरी इज ए रेलेवेंट डेट। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्होंने आपको डेट ऑफ इंटीमेशन नहीं दी, आपने सवाल दिया उन्होंने रसीद दे दिया आपको, फिर ऐसी सूरत में दो सूरतें पैदा होती हैं। एक तो ये कि आप आराम से खामोशी से बैठे रहें, जब दिल जाएगा ले लेंगे, लेकिन दूसरी सूरत यह है कि कॉपी एजेंसी की एक जिम्मेदारी है कि व्हेन द कॉपी इज प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑफ इंटीमेशन इज नॉट गिवन टू यू तो फिर कॉपी एजेंसी नकल तैयार करके आपको नोटिस जारी करेगी कि द कॉपी इज प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी काइंडली गेट इट। तो अगर आप नहीं लेते देन द फॉल्ट लाइज विद यू, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो फिर उस डेट को जिस डेट को आपने वसूल की है दैट डेट इज रेलेवेंट। लिहाजा सेक्शन 12 का ही आम तौर पर वकला के दरमियान तनाज़ा रहता है कि हाउ टू एक्सक्लूड द टाइम एंड हाउ टू कंप्यूट द टाइम व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉपी। लेकिन एक ऐसी सूरत है कि जहां कोर्ट इज टू डिलीवर द कॉपी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, उसमें फिर आप डिलीवरी ऑफ कॉपी पे मैटर नहीं करती। द मोमेंट द जजमेंट और ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड एंड द कॉपी इज डिलीवर टू द कंसर्न पार्टीज तो फिर वही डेट उसकी कंप्यूटेशन के लिए हो जाएगी। फिर वो ये ना कहे कि मैंने ये कॉपी तो कोर्ट से ले ली और मैं दूसरी के लिए सवाल फार्म दे रहा हूँ। When he is giving an application for another certified copy, that is immaterial. The material is if the court provides you the copy of the judgment or order, it shall be deemed that it was intimated to you and it was delivered up. So the date of intimation and date of delivery are simultaneous. And when they are simultaneous, then there is no exclusion of time in filing the appeal, review or revision. So this is the crux of this section. So I would like to refer an authority on this point. Ye aap note karenge 2007 CLC 213. सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स बेनिफिट ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 डीलिंग विद एक्सक्लूजन ऑफ टाइम वॉज अवेलेबल ओनली इन केसेज वेयर देयर वॉज एन अपील एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट। Section 12, subsection 2 had nowhere mentioned revision applications. Omission of the word revision application in the subsection was not accident. Subsection 2 of section 12 had restricted its application to merely two kinds of applications, namely an application for leave to appeal and an application for review judgment and benefit of subsection was not attached to revision application. इसमें एक बड़ी अहम बात है
कि जब हम सेक्शन 12 को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो सूट, अपील, एप्लीकेशन का अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आर फॉर एप्लीकेशन फॉर ए रिव्यू ऑफ जजमेंट आर लीव टू अपील, उसमें रिवीजन इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मकसद ये हुआ कि ये सेक्शन 12 रिवीजन के लिए नहीं है। वाई इट इज़ नॉट फॉर रिवीजन? ये अथॉरिटी ये कहती है कि इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल। इसका मकसद ये है कि द लॉ मेकर वॉज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि रिवीजन पर इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। रिवीजन ए मैटर बिटवीन द टू कोर्ट्स, लोअर कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट, लिहाजा उसमें सेक्शन 12 का इतलाक नहीं होना। क्यों नहीं होना? इसके लिए जब हम CPC का सेक्शन 115 पढ़ेंगे तो वो हमें गाइडलाइन देगा कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिवीजन इज नॉट फिक्स्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। जब लिमिटेशन एक्ट ने पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिवीजन फिक्स ही नहीं किया तो वाई ए प्रोविजन शुड बी देयर इन द लिमिटेशन एक्ट फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम फॉर द रिवीजन? इसलिए इसके लिए हमें सेक्शन 115 CPC पढ़ना पड़ेगा कि वो बताता है कि हमने वहां कॉपी कैसे लेनी है और कौन कौन सा टाइम एक्सक्लूड होना है। सो व्हेन यू आर फाइलिंग ए रिवीजन टेक केयर ऑफ इट दैट दिस सेक्शन 12 इज नॉट अवेलेबल टू यू। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 इन द केसेस ऑफ रिवीजन देन समटाइम्स यू विल हैव टू सफर अ लॉट। So when you are filing a revision, you are to see the relevant provisions which are attracted in filing the revision and computing the period of limitation. When you are computing the period of limitation under section 115, it gives us a different criteria. And while we are computing the period of limitation under the Limitation Act, it provides us section 12 for the determination and computation. So it has been specifically not mentioned therein. इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था